Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum Nazreen. आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ. शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबीका या हबीबल्लाह. नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक वाक़िया बयान करूँगी, जिसमें आपको मैं ये बता रही हूँ कि इंसान की किस्मत में जो रिस्क लिखा होता है वो ही उसे मिलता है. वीडियो का आगाज़ करते हैं. एक दिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इब्ने अबी तालिब मस्जिद के दरवाज़े पर अपने खच्चर से उतरे. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना खच्चर हिफाजत के ख्याल से एक शख्स के हवाले किया और मस्जिद में तशरीफ़ ले गए. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जाने के बाद इस शख्स के दिल में ख़यानत आ गई. उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खच्चर की लगाम निकाली और फरार हो गया. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज से फारिग होकर जब मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए तो आपके हाथ में दो दिरहम थे. ये दो दिरहम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खच्चर की निगहबानी करने वाले शख्स को बतौर मुआवजा देना चाहते थे, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि खच्चर बग़ैर लगाम के खाली खड़ा है. बहरहाल आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बग़ैर लगाम के खच्चर पर सवार होकर घर पहुँचे और अपने ग़ुलाम को दो दिरहम दिए कि वो बाज़ार से दूसरी लगाम ख़रीद लाए. ग़ुलाम बाज़ार गया, उसने वही लगाम एक शख्स के हाथ में देखी. पूछने पर मालूम हुआ कि एक शख्स ये लगाम दो दिरहम में बेच गया है. वापस आकर ग़ुलाम ने ये बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोश गुजार की तो आपने फरमाया, बंदा बाज़ुकात खुद सब्र ना करने और उजलत से काम लेने की वजह से रिस्क हलाल को अपने ऊपर हराम कर लेता है, हालांकि जो कुछ रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी किस्मत में लिखा होता है इससे ज़्यादा उसे नहीं मिलता. आज की इस वीडियो में इतना ही. दुआ में याद रखिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.